आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल ही अलग रेसिपी जो चावल और स्वीट कॉर्न की होगी। तो ये हमने भुट्टे लिए हैं, ये ताजी भुट्टे हैं और ये चावल लिए हैं। चावल को हमने पका लिए हैं और भुट्टे को हम इस तरह से उसके दाना निकाल लिए हैं। वीडियो हमारी लंबी हो जाती इसी कारण हम चावल को पका लिए थे और भुट्टे को छुड़ा लिए हैं। यहाँ हम लिए हैं प्याज, जिसे इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं। ये हरी मिर्च है, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और ये किशमिश है और ये मूंगफली है। तो चलिए चलते हैं गैस की ओर। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और यहाँ हम डालेंगे 1 चम्मच घी। ये हम मूंगफली डाल देंगे और मूंगफली को हम भून कर निकाल लेंगे। मूंगफली हमारा भून गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा हमारा चटक गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं ये हरी मिर्च। और ये कटी हुई प्याज। प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं करी पत्ता। करी पत्ता से स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो करी पत्ता आप ज़रूर डालिएगा और अगर ना हो तो फिर स्किप कर दीजिएगा। प्याज हमारा भून गया है, अब इसमें हम ये कॉर्न डाल देते हैं और इसे प्याज के साथ भून लेते हैं। कॉर्न हमारा बहुत मुलायम और किच्चा था, इसीलिए हम इसे बॉईल नहीं किए हैं। ये बहुत ताज़ा है, इसमें से अभी दूध ही निकल रहा है, तो हम इसे बॉईल नहीं किए हैं। डायरेक्ट ऐसे ही इसे हम फ्राई कर देंगे प्याज के साथ। और अब इसमें हम डाल देंगे ये किशमिश और इसे डाल के मिला लेते हैं। और ये मूंगफली भी इसमें मिला लेते हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर के छोटे मोटे पार्टी में भी शामिल कर सकते हैं। ये कॉर्न राइस बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे, बाकी नमक हम बाद में डालेंगे जब चावल डालेंगे तब। अभी इसमें हम थोड़ा नमक डालकर इन सबको मिला लेते हैं। इन सभी को हम अच्छी तरह से भून लिए हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं ये चावल, ये उबला हुआ चावल इसमें हम डाल देंगे और इन्हें हम मिला लेते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है ये। आप इस तरीके से बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, ये स्वीट कॉर्न और राइस। तो इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं और अब इसमें हम इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम पहले भी नमक मिला चुके हैं, तो इसे मिला लेते हैं। ये कॉर्न राइस खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है और आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा। अभी भुट्टे की सीजन है। और अब लास्ट में हम डाल देते हैं ये नींबू का रस। आधा नींबू को निचोड़ के इसका रस निकाल लिए हैं और इसमें से बीज निकाल लिए हैं। तो अब ये नींबू का रस हम इसमें डाल देते हैं, इससे इसका स्वाद और भी टेस्टी लगेगा। और इसे हम मिला लेते हैं और ये हमारा कॉर्न राइस बनके तैयार है। चलिए सर्व करके दिखाते हैं। ये हमारा कॉर्न राइस
बनके तैयार है। ये गर्मा गर्म कॉर्न राइस खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा ये कॉर्न राइस। अभी बरसात के मौसम में भुट्टे बहुत आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, अभी सीजन है भुट्टों का, तो इस तरीके से आप भुट्टे की नई रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।